जो CS401 का हमारा जो लेक्चर नंबर वन था, हमने वो बीच में छोड़ दिया था। हमने वो किया था, क्या कहते हैं, एकोमुलेटर हमने आगे स्टार्ट करना था। हमने ये पढ़ना था कि एकोमुलेटर क्या होता है और इसका मतलब क्या है। देन हमने पॉइंटर पढ़ने थे, इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर, हमने ये दो तीन चीज़ें पढ़नी थी। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग रजिस्टर एंड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, डिफरेंट आगे हम इनको देखेंगे। दो तीन टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या कहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं, हम अकोमुलेटर को, अकोमुलेटर क्या होता है कि एक किसी भी जो भी प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर एक उसका अपना एक सेंट्रल रजिस्टर होता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेसर का सेंट्रल रजिस्टर होता है, उसको हम कहते हैं अकोमुलेटर। ये जो अकोमुलेटर होता है, ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जिसका साइज होता है वो बेस का होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितने बिट्स का है, ठीक है। मतलब अगर मीन्स अगर वो प्रोसेसर है 64 बिट का, तो उसका जो अकोमुलेटर होगा वो भी 64 बिट का होगा। अगर वो प्रोसेसर है 32 बिट का, तो उसका जो रजिस्टर होगा, ये सेंट्रल रजिस्टर अकोमुलेटर, ये भी 32 बिट का होगा, ठीक है। इसमें दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि किसी प्रोसेसर का सेंट्रल रजिस्टर वो अकोमुलेटर होता है, ठीक है। एंड इसका जो साइज होता है, ये मैटर कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है, या ये वेरी कर रहा होता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर 32 बिट का है, तो उसका साइज भी 32 बिट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएं जी, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। तो इसमें भी पहली बात भी यही कह रहा है कि इनके जो नाम है वो वेरी करते हैं मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ये उनका नाम वेरी करते हैं। मुझे भी अभी आवाज क्लियर आई है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है आपने? मैंने पढ़ा है पहले एक्युमुलेटर को, ठीक है। एक्युमुलेटर क्या होता है, ठीक है, मैंने डिटेल में ये बात की है। देन आप लोग, हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर, ठीक है। जो बेसिक्स था हमारा, ये था, क्या कहते हैं, बेस रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर के टॉपिक पर हम लोग कल से बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और ये इनका सीपीयू में क्या काम होता है, ठीक है। ओके, कल हमने डिस्कस की थी बसेस, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्स को। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। जी, अब ये थोड़ी बहुत थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, ये क्या कह रहा है यहाँ तक। ये इसमें कह रहा है कि जो इनके नाम हैं, ये वेरी करते हैं मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देता है, ठीक है। जिनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन करती है कि डज नॉट होल्ड डेटा बट होल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा, ठीक है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपने इस लाजमी अपने जेनेशन करनी है कि हमारे पास जो पॉइंटर, इंडेक्स या बेस रजिस्टर होता है, वो डेटा होल्ड नहीं करते, वो एड्रेस होल्ड करते हैं, एड्रेस ऑफ एवरी डेटा। जी सर, आ रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा एक्टिव रहें, थोड़ा होशियार रहें, ताकि आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पर जोर दे रहा हूँ, वो आप पॉइंट पिकअप करती जाएँ, ठीक है। अब जो इंडेक्स रजिस्टर है, उसमें जो वो डेटा, जो भी उसमें वैल्यूज होंगी, वो उसको डेटा के ट्रीट नहीं करेगा, वो उसको ट्रीट करेगा एज एड्रेस ऑफ डेटा। ये वो लाइन, ये लाइन गई है ना आपने? जी। तो थोड़ा मुश्किल हो गया इनके दरमियान डिस्टिंग्विश करना। उसकी वजह क्या है कि दे हैव जनरल रजिस्टर्स विच आर मोर वर्सटाइल एंड कैन डू बोथ फंक्शंस, ठीक है। अब बोथ फंक्शन वो कौन से हैं, ठीक है। वर्सटाइल का तो पता है आपको ना, वर्सटाइल जो बंदा हर काम कर सकता हो, ठीक है। तो अब यहाँ बोथ फंक्शन कौन से हमें वो बता रहा है, वो हमें बोथ फंक्शन बता रहा है कि जैसे आप ऊपर आपने पढ़ा कि इंडेक्स रजिस्टर है वो जिसमें कोई भी वैल्यू पड़ी होती है, तो उसको एज ए डेटा ट्रीट नहीं करता, वो जस्ट उसको एज एड्रेस ऑफ डेटा ट्रीट करता है, ठीक है, उसको एज एड्रेस ऑफ डेटा ट्रीट करता है। तो सेम एज कुछ ऐसे रजिस्टर भी हैं जो दोनों काम करते हैं, वो एज ए डेटा भी ट्रीट करते हैं एंड एज एड्रेस ऑफ डेटा भी ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया?
जी सर ठीक है। उनमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड बिहेवियर होते हैं जो बेसिक ऑपरेशन करते हैं और साथ साथ जो मतलब आम जो जनरल रजिस्टर होते हैं उन पर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? आर प्रॉम स्टेटल रजिस्टर, जी आ जाए, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैं आपको ये बता दूं, जो जो चीज़ हमने अभी डिस्कस किया ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लास्ट में अपने जेन चिन्ह करना है, ठीक है। जी। इसको आपने, मैं थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस की हैं, मैंने मेन मेन चीज़ें उठाई हैं, लेकिन आपने ये थ्योरी भी पढ़ ली है, इस थ्योरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं, ऊपर जो भी पढ़ी चीज़ें, ठीक है जी। अब नीचे फ्लैग रजिस्टर और प्रॉम स्टेटस रजिस्टर। अच्छा, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है या प्रॉम स्टेटस वर्ल्ड क्या होता है? वो ये कह रहा है कि ये भी एक्युमुलेटर की तरह 8, 16 या 32 बिट्स के रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये एक्युमुलेटर की तरह काम नहीं करते। ये हर जो इंडिविजुअल बिट होती है ना, वो डिफरेंट मैसेज कैरी करती है, उसके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एक्युमुलेटर की बिट्स होती हैं वो पैरेलल यूनिट पे काम करती हैं, और उन बिट्स का मतलब सेम ही होता है, हर बिट का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि अगर लेट्स से एक बिट में 0 है, दूसरे बिट में 1 होगा, या डिफरेंट मैसेज कैरी कर रही है, डिफरेंट मीनिंग है उसकी। लेकिन जो फ्लैग में होता है कि ये जो फ्लैग रजिस्टर में जो बिट्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअली काम करती हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर। आपका इसमें कंफ्यूज आ सकता है कि फ्लैग रजिस्टर की बिट्स किस तरह काम करती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये काम करती हैं इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। अगर हम उन बिट्स को कंबाइन करके उसका मतलब निकालें तो वो 0 होगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगी, वो मीनिंगलेस होंगी, ठीक है। नीचे कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ ए बिट कॉमनली प्रेजेंट इन द फ्लैग रजिस्टर इज द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है? कैरी फ्लैग में 0 और 1 होता है जो कैरी करता है, जो भी आपका बचता है एंड पे, आप कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी आपका वो कहते हैं ना कैरी बच गया, तो कैरी जो कैरी फ्लैग होता है वो उस बिट को कैरी करता है। देखें, वो कह रहा है कि अगर हम कोई 16 बिट का कोई नंबर है, ठीक है, उसको मैं ऐड करते हैं 16 बिट के एक्युमुलेटर में, जी ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिजल्ट 17 आएगा। ये देखें यहाँ पे, एंड द रिजल्ट विल बी 17 बिट्स, ठीक है। लेकिन जो 17th बिट मींस 16 बिट बनेगी, मतलब 17 बिट आ रही है हमारे पास, ठीक है, 16 बिट्स हमारे पास आगे आंसर, लेकिन जो एंड पे 17th बिट मीन जो आखिरी बिट 16+1 कितने हो गए? 17 जी। 16 जमा कितने हो गए? 17 16 तो हमें समझ आएगी 16 की, लेकिन जो एक बिट आ रही है एज ए कैरी, ठीक है, एक बिट कहाँ आ रही है? एज ए कैरी, तो कहाँ चली जाती है? कैरी फ्लैग में या फ्लैग रजिस्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे उसने यही बात की है कि विदाउट द 17th बिट द आंसर इज इनकरेक्ट, मीन्स जब तक वो हमारे पास 17th बिट नहीं होगी, हमारे पास जो उसका आंसर है वो इनकरेक्ट है, जब मीनिंगलेस है, जो भी आप उसको कह लें, ठीक है, मतलब जब तक हम कैरी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने मतलब देखें, आप कोई भी नंबर ऐड करती हैं किसी भी, आप जो सिंपल एडिशन होती है, तो हम लिखते हैं जी, मतलब हमने जमा किया 8 और 8 16 हो गया, ठीक है, हम लिखते हैं 6 हमारा नीचे आंसर में आएगा और 1 चला गया कैरी में, ऐसे ही होता है जी, ठीक है, 1 चला गया कैरी में। अब एक इसी तरह जब हम इनको जमा करते हैं तो जो आए का आंसर होता है वो आ जाता है नीचे, ठीक है, आंसर में, और एक बिट चली जाती कैरी के अंदर, ठीक है। अब 8 और 8 16 तो है, हमें पता है, हमने आंसर लिख भी दिया है, नीचे हमने 6 लिखा हुआ है,
लेकिन जो एक बिट है वो कहाँ स्टोर है, कैरी के अंदर चली गई है, ठीक है। तो उसका जो एडिशन का जो मकसद तब तक नहीं आएगा, या तब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा, या तब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा कि इसका आंसर था एक्चुअल आंसर क्या था, जब तक हमारे पास वो जो हमने जो कैरी में डाला था बिट जो, या हम जो नंबर कह लें जो हमने डाला था कैरी में, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो हमारे पास आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात कह रहा है। पीछे अब प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन काउंटर अब जो प्रोग्राम काउंटर होता है ना, वो स्टोर करता है जो नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होता है, ठीक है, या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जो इंस्ट्रक्शन काउंटर होता है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है सर। क्या कर रहा था? पॉइंट आउट, पॉइंट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे आगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन काउंटर होता क्या है। एक डंप प्रोसेसर के लिए हर चीज़ को ट्रांसलेट करना पड़ता है मैन्युअल नंबर में, उसको समझने के लिए, ताकि उसको प्रोसेसर समझ सके। इंस्ट्रक्शन देमसेल्फ्स टू मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू नंबर्स, ठीक है। इसलिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उनको मैन्युअल नंबर में कन्वर्ट होना पड़ता है या ट्रांसलेट होना पड़ता है, ठीक है। अब ये कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हमें तो समझ आ रही है कि ऐड का मतलब क्या होता है, लेकिन जो हमारे पास मशीन है, जो प्रोसेसर है, उसको खाक पता ऐड क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मेमोरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको प्रोसेसर समझ सके। सवालों का जवाब है ये लाइन कि दिस नंबर इज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। सर वो नंबर 0 और 1 के फॉर्म में होगा, आपकी मशीन को, आपके प्रोसेसर को 0 और 1 की फॉर्म के अलावा कुछ समझ नहीं आता, ठीक। ट्रांसलेट होती हैं हाई से लो लेवल लैंग्वेज में। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्टिंग, ऑल बिग्स प्रोग्राम आर मेड यूजिंग दीज सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ए नंबर इज एट द बॉटम लाइन सिंस दिस इज ओनली द थिंग ए कम्प्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ये आपके पास डेफिनेशन आ रही है कि प्रोग्राम क्या होता है। बात नोट किया आपने ये वाली? सर की तो अबर समझ नहीं आई। आपको सॉर्टिंग का पता है? सॉर्टिंग ऑर्डर का? सॉर्टिंग सॉर्ट करना, सॉर्टिंग ऑर्डर पता है आपको? चीजों को सॉर्ट आउट करना। जी सर। ठीक है, तो मींस अगर आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आप अपना सामान पैक करते हो, तो आप सबसे नीचे क्या रखते हो? सबसे पहले अपने बैग में क्या रखते हो? वो चीज़ रखते हो जो आपको रास्ते में यूज़ करनी पड़ जाए, बैग से निकालनी पड़ जाए, जो वो चीज़ रखते हो जो आपको कहीं कहीं भी जा रहे हो वहाँ पहुँच के यूज़ करनी पड़े, वहाँ से निकालनी पड़े। सर जो पहुँच के यूज़ करनी है, सबसे पहले आप वो चीज़ रखेंगे सबसे नीचे। जी एंड सबसे ऊपर क्या रखेंगे आप? जो हमें यूज करनी है, तो ज्यादा जरूरी होगी, ज्यादा जरूरी हो तो। अब ये समझिए आपको कि ऑर्डर इज इन दिस डेफिनेशन इज द की पार्ट, ये आपने कहा था ना, समझ नहीं मुझे। जी आपने खुद ही बात का जवाब दिया है अभी कि ऑर्डर होना चीज़ों का लाजमी है। किस तरह? कि मैं वो चीज़ सबसे नीचे रखूँगी जो मुझे, अब जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच कर ज़रूरत होगी, और वो चीज़ सबसे ऊपर रखूँगी जो मैं रास्ते में यूज़ कर सकूँ, जो मुझे अगर रास्ते में उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं निकाल सकूँ। जी ठीक है, तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं ना, उनको भी ऑर्डर देना ज़रूरी होता है, उनका भी एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं दी जाती हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होती हैं। समझ आ रही बात क्या आपको? जी सर इसकी मैं आपको सादा एग्जांपल ये देता हूँ, ठीक है।
आपने शायद प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, तो मैं आपको सिंपल ये कह देता हूँ कि मैं कह दूँगा आपको कि आप दो नंबर ऐड करो, ठीक है जी। आपने दो नंबर ऐड करने हैं, 5 और 6। तो आप क्या करते हो कि आप 5 और 6 पहले लिख दो 11, ठीक है, पहले लिख रहे हो 11, फिर लिख रहे हो 5 = 5, फिर लिख रहे हो साइन डाल रहे हो प्लस का, एंड फिर लिख रहे हो 6। ये ऑर्डर ठीक है या ये ऑर्डर ठीक है कि 5 + 6 = 11? सर 5 + 6 ठीक है। 5 + 6 ठीक है। तो यहाँ भी ये यही बात कह रहा है कि अब जब भी किसी भी कंपाइलर में कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसका जो इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर होता है ना, वो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि जो इंस्ट्रक्शन बाद में यूज़ होनी हो, डिस्प्ले होनी हो, एग्जीक्यूट होनी हो, वो आपने पहले डाली हुई हो, ठीक है। तो आगे ये पढ़े ना, इंस्ट्रक्शन रन वन आफ्टर अनदर, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास रन होती हैं वो एक से एक के बाद दूसरी होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। उनके अंदर पोजिशनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। द होल लॉजिक डिपेंड्स ऑन पोजिशन, क्लियर है जी? जी सर, समझ आएगी बात को। अब जो नीचे से बात की हुई है ना, जो नीचे थ्योरी में टाइम काफी जाया हो रहा है, इस पे मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसने पहले वही चीज़ बताई हुई, यहाँ यही चीज़ बताई हुई है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, ठीक है, कि पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी बाद में, ठीक है जी सर। अब नीचे चाहते हैं कि एक स्पेशल रजिस्टर होता है एवरी हर प्रोसेसर के अंदर, जो इस बात को श्योर करता है, ठीक है, कि जो इंस्ट्रक्शन हैं वो ऑर्डर में काम कर रही हैं। वो किस तरह? द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जी सर, आइए, क्या समझ आइए सर? ये स्पेशल रजिस्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को बताता है कि पहले तुमने ये काम करना है फिर ये करना है। नहीं, पहले वो एड्रेस मतलब होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, एक के बाद दूसरी। देखें, आपने काफी हद तक बात ठीक की है आपने जी। इसकी डेफिनेशन है, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंस्ट्रक्शन दी ए, देन प्रेस किया बी, आपने प्रेस कर दिया, लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा होता है, आपने ए प्रेस किया तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने दी ए जमा बी या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी, तो वो ऑलरेडी जाके उसमें जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है इसमें जाके स्टोर होती है कि नेक्स्ट इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका ये एड्रेस अपने पास रखता है, ठीक है, उसको ये पता होता है कि इसके बाद अब कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है इस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को। उसने यहाँ एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल 0EX एक रजिस्टर का नाम है एंड 255 को वैल्यू है और 125 है। जब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे हमारे पास होता है रजिस्टर का नाम, कहाँ पे? लेफ्ट मोस्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास रजिस्टर का नाम, देन उसके बाद वो वैल्यू आती है जो हम कुछ भी करना चाह रहे थे उसके साथ, अगर लेट सम ऐड करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं, एंड राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन होती है जो मींस हम कह लें कि हमने ऐड करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ये जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है, या जो प्रोसेसर को कह रहे हैं समझ आ रही होगी। वो कह रहा है कि ये रजिस्टर का नाम है 0XEA एक रजिस्टर है, 255 एक वैल्यू है और 152 का मतलब है ऐड करना। अब प्रोसेसर क्या करेगा कि इस 255 को उठाकर इस रजिस्टर के अंदर डाल देगा। ओके सर, बात की समझिए आपको? जी सर, आइए, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिक्स क्या होते हैं,
कुछ नहीं है, आप में कन्फ्यूज ना उस बात से कि बेसिक इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिक्स पता नहीं, हम नया वर्ड सुन लिया है, नया वर्ड पढ़ लिया है, उसने इसी को आप जहाँ से इसको बैठ के पढ़ेंगी ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक इसको बैठ के रीड करेंगी तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ें जो समझ आ रही हो नीचे समझ आएगा कि बेसिक इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिक्स क्या होते हैं। अब मैं चले आपको पढ़ के सुना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, चीज़ों को आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए किसी भी नंबर को कोई भी सिंबल दे देते हैं, ठीक है। हमने जब ये वर्ड सुना ऐड, तो हमारे कान खड़े हुए कि ऐड का मतलब जमा करना होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। देन ये क्या कह रहा है, देन वी नीड अ स्मॉल प्रोग्राम टू कन्वर्ट दिस ऐड ऑफ आवर्स टू 152 फॉर द प्रोसेसर। समझ आ रही है, बस इस लाइन की समझ आई आपको? प्रोग्राम की जरूरत है जो कन्वर्ट ये ऐड को कन्वर्ट कर सके प्रोसेसर के लिए। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको समझ आ गई? जी सर, सारी आई हैं। अब आप इसको एक बार खुद बैठ के रीड करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सर, ओके सर।